नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी ईएलई चैनल में। चलो आज हम आपको दिखाएंगे, जैसे हम अपनी कोई सी मोटर एंड करते हैं और धागा मारते हैं और धागा लगाते समय आपने देखा होगा गोलाई में जो हमारा धागा लगता है उसमें फिनिशिंग नहीं आ पाती है, तो किस कारण से, और जो हम इसमें पेपर लगाते हैं इस तरह कट करके आपने देखा होगा अभी जो हम सेपरेटर लगा लेते हैं पर इस वही हमारी क्या है फिनिशिंग नहीं आ पाती है और हमारा जो पेपर है बाहर की तरफ भागता रहता है, तो हम पेपर को किस तरीके से लगाएं और धागा किस तरीके से लगाएं जिससे हमारी अच्छी सफाई आए। दोस्तों तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है धागा पेपर लगाते समय यानी कि सेपरेटर लगाते समय, जो इसकी हाइट है दोस्तों इस कॉइल की, इससे जो पेपर हम लेंगे फालतू नहीं लेंगे दोस्तों, मतलब इसके प्रॉपर में रखना है इसे। तो सबसे पहले हमें इसे कट कर लेना है, चलो तो हमें इसकी हाइट के हिसाब से एक पेपर कट कर लेना है जैसे कि मैंने ये कर लिया है। तो अब देखो हम किस तरीके से लगाएंगे, कॉइल को आगे की तरफ खींचना है, खींचने के बाद हमें इसे पेपर को इस तरीके से लगा लेना है, दोनों साइड ध्यान रखना है दोस्तों, जो वायर है हमारा रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो एक भी वायर। दोस्तों ये देखो मैंने ये वायर लगाया, अब आपको दिख रहा होगा इसकी हाइट के बराबर है हमारा, देखो दिख रहा होगा आपको इसकी हाइट के हमारा पूरा बराबर आया है। सेम एक पेपर और लगा लेंगे ताकि इसकी जो अपने रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो और मजबूती जो हमारी है दोस्तों मतलब अच्छी आ जाए। चलो एक पेपर मैं इसी तरीके से कट और कर लेता हूँ और इसे भी हम इसमें लगा लेंगे ताकि हमारी जो इसकी पकड़ है काफ़ी अच्छी हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये एंड था, यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे ताकि ये बिखरे ना, ठीक है। चलो ए पेपर को हमने लगा लिया है, डबल हमारी सेफ्टी होगी दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग, ठीक है, और नीचे की तरफ से ठोक लेंगे, ठीक है। ये देखो ये पेपर लगने के बाद देखो हमारे का भी गोल है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा धागा लगा के, देखो धागा लगाते समय हमारी जो वायर है एक भी नहीं बिखरेगा और धागा भी हमारा प्रॉपर लग जाएगा। चलो एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं हम, एक लंबा वायर का टुकड़ा ले लेंगे, सुई बना लेंगे दोस्तों, यानी कि चलो इस तरीके की सुई बना के, और मैं आपको दिखाता हूँ धागा हम किस तरीके लगाएंगे और हमारा जो धागा लगेगा दोस्तों काफ़ी अच्छी गोलाई में लगेगा और हमारे जो कॉइल टर्न वगैरह हैं वे भी बिखरेंगे नहीं दोस्तों। और आपने देखा होगा आप कई बार धागा लगाते हैं और हमारा जो पेपर है बाहर निकलता रहता है और फिनिशिंग जो आनी चाहिए दोस्तों वो हमारी आ नहीं पाती है। चलो तो हमने एक सुई बना ली इस तरीके से, हमें वायर की लंबाई को नाप लेना है जितना हमें चाहिए ये। चलो ये हमारी सुई बनके कंप्लीट हो गई है, तो हमें क्या करना है किसी भी एक वायर के बीच में फंसा लेना है इस तरीके से, और हमें जो यहाँ पे अपना मजबूत घाट लगा लेनी है दोस्तों, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि धागा को हम किस तरीके से लगाएं जिससे कि हमारे धागे की अच्छी फिनिशिंग आ जाए। चलो हमें क्या करना है, देखो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार हम धागा यहाँ लगा देते हैं यानी कि कई स्लॉटों को खाली छोड़ देते हैं, पर दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही स्लॉट खाली छोड़ना है, एक स्लॉट छोड़ के चलना है। तो सबसे पहले हमने इसमें लगाया तो दूसरे में लगा लेंगे ताकि इसकी यहाँ से गोलाई आना चालू हो जाए, ठीक है। इसके साथ वाली को नहीं छोड़ना है, आप देखो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसे खाली छोड़ देना है, इसमें ले लेना है, मतलब एक छोड़ के एक पर चलते रहना है, ठीक है। एक को छोड़ के और एक में हमें लगाते चलना है, इससे क्या हमारी जो गोलाई है दोस्तों काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और ये देखो दिख रहा होगा आपको जैसे कि यहाँ से हमारी गोलाई कितनी अच्छी होगी और टाइट कॉइल होगी दोस्तों, मेन चीज़ हमारी कॉइल को टाइट कर दिया इसने, अब हम नेक्स्ट मतलब इसे छोड़ देंगे अब इसमें आ जाएंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से हमें से गोलाई को लेना है, देखना दोस्तों कितनी अच्छी गोलाई हमारी आती है, लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको काफ़ी अच्छी गोलाई के साथ हमारी ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें केवल एक स्लॉट को ही खाली छोड़ते चलते रहना है, ठीक है, और एक स्लॉट को हम खाली छोड़ते चलते रहेंगे। एक दो राउंड और रह गए हमारे, चलो ये भी हम फटाफट डाल देते हैं, और आप काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ये मोटर में जो धागा है दोस्तों हमने लगा लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्लॉट छोड़ के ही हमें इस पे पेपर लगा लेना है, धागा लगा लेना है दोस्तों ताकि अच्छी फिनिशिंग आए, और देखो काफ़ी अच्छी वाइंड हुई है जबकि दिखाई दे रहा होगा धागा आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हमने लगा लिया है, ये लास्ट हम इसे बांध देते हैं, टाइट ही हमने साथ ही साथ करा और साथ ही साथ हमने इस पे धागा को भी लगा लिया है दोस्तों। देखो जैसे कि दिखा आपको, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ अब, चलो हमने यहाँ से कट कर दिया दोस्तों, दिखा होगा काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने इसे धागे को लगा दिया दोस्तों, एक साइड हमारा जो धागा है काफ़ी अच्छी तरीके के साथ ये लग चुका है हमारा। तो कैसी लगी आपको ये दोस्तों ये जानकारी, सेम इसी तरीके से देखो काफ़ी कॉइल हमारी जो है टाइट हो चुकी है, पूरी प्रॉपर तरीके से हमारी कॉइल टाइट है और धागा भी काफ़ी अच्छा लगा है दोस्तों।